हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। और अभी मैं फ़िलहाल कोलकाता में हूँ, और कोलकाता में आप लोग को जैसे पता होगा कि मैं किस लिए आया था, तो अभी मैं जा रहा हूँ क्लास पता करने के लिए। तो अभी मैं हूँ, अभी बस वगैरह पकड़ते फिर निकलते हैं यहाँ से। देखते हैं जो भी दिखेगा आपको सब कुछ दिखाएंगे, बने रहिए ब्लॉग के साथ। अभी चलते हैं आगे की तरफ, बस आने का वेट करेंगे। बहुत भीड़ है भाई यहाँ, यहाँ पे बस वगैरह आएगा और यहीं से हम लोग बस पकड़ेंगे। अभी तो आया नहीं है, यहाँ से 77A पकड़ना पड़ेगा और हमें जाना पड़ेगा। 15 मिनट से वेट कर रहा हूँ, अभी तक बस वगैरह आया नहीं है। अभी आएगा बस, उसके बाद यहाँ से चलेंगे अलीपुर जू, जो कि आप अगर ब्लॉग नहीं देखे हो तो आप देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और वहाँ से आज अलीपुर जू का ब्लॉग नहीं बनाएंगे, बल्कि वहाँ से दूसरे बस वगैरह चेंज करेंगे और उसके बाद हमें जहाँ जाना है बेग बगान, वहाँ पे जाएंगे। तो अभी बस वगैरह तो भी आया नहीं है, इंतज़ार ही कर रहे हैं बस का। तो गाइस, फाइनली मैं बस पकड़ के, सॉरी आपको बस नहीं दिखाया, मैं बस पकड़ के अलीपुर जू के पास आ चुका हूँ। ये रहा उसका दीवार है, गेट आगे की तरफ है। अब यहाँ से दूसरे बस चेंज करेंगे और फिर जाएंगे बेग बगान। तो अभी देखते हैं कौन सा बस जाती है, मुझे मालूम नहीं है यहाँ का बस नंबर, तो मुझे पूछना पड़ेगा किसी ने किसी से। तो देखते हैं आज क्लास वगैरह ज्वाइन होता है या नहीं होता है। बहुत टेंशन है भाई साहब, और ख़ासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको जानते ही नहीं हो, वहाँ तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अभी देखते हैं बस वगैरह आती है, देखते हैं कौन सा जाता है, लोगों से पूछते हैं। अगर आपने अभी तक अलीपुर जू का अगर ब्लॉग नहीं देखा है तो आप देखें, उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। और ये पहले से मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ, इसलिए मैं वापस जा नहीं रहा हूँ जू के अंदर। तो अब ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी चलते हैं बस पकड़ते हैं और देखते हैं। दुकान यहाँ से मिल जाएगा ना, वो मोड़ पे जाना। अच्छा, जू के करके ऊपर हो जाइए। अच्छा, उधर मिल जाएगा, इधर शॉर्टकट, इधर तो नज़दीक पड़ेगा ना। नज़दीक पड़ेगा लेकिन वहाँ से बहुत गाड़ी है, वहाँ से बहुत गाड़ी मिल जाएगा। बता दीजिएगा कौन सा बस नंबर है। 227 है। 227 230 है। 227 230 पकड़ लो ना, यहीं से ना, पुल के उस साइड। हाँ हाँ, वो बस स्टैंड है। अच्छा अच्छा, 230 जाएगा। 227 ठीक है। अच्छा, ये अलीपुर जू है और इसके ठीक देखो सामने सबसे बड़ा लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, जो कि ठीक जू के सामने में है। और एक यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग है भाई साहब, मैं तो खो जाऊँगा। फिलहाल मैं इधर से जा रहा हूँ और वो अंकल ने बताया बस स्टॉप पे मिल जाएगा, तो देखते हैं जाके। इधर रूल रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाता है, देख रहे हो, बिल्कुल सब एक लेन में चलता है। और यहाँ पे ये साइड में सबवे टाइप का बना फुटपाथ है, तो उस पर पैदल जा सकते हैं। तो हम चलते हैं, सीधा मिलते हैं आपसे बस स्टॉप पे। जू के बाहर देख रहे हो कितना सारा यहाँ पर गुड स्टॉल भरे पड़े हैं चारों तरफ, बहुत सारे यहाँ पे कुछ फूड स्टॉल है, सामान है, कुछ खाने पीने का तो भरा पड़ा है। चलते चलते तो बहुत दिमाग खराब हो गया, हालात देख सकते हो आप कैसा हो गया। अभी पहुंच चुके हैं इस मोड़ के पास और यहीं से हमें बेग बगान के लिए बस मिलेगा। और यहाँ पे एक दादी है जो नीचे सोई हुई है और पुलिस वाले उनको उठा रहे हैं, उनको जगा रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनकी। तो अभी बैठते हैं, देखते हैं कब आता है। यहाँ पे बस स्टॉप तो नज़र ही नहीं आ रहा है यार, पता नहीं किस तरफ है, बहुत कुछ यहाँ नहीं बता रही। तो फिलहाल यहीं से मुझे लगता है बस मिल जाएगी, स्टॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कब मिलता है बस। मुझे बस मिला बैठने के लिए। तो
गाइस फाइनली मैं पहुंच गया बिग बाजार, और यहाँ पे क्लास वगैरह पूछना पड़ेगा कहाँ पे। अभी देखता हूँ गूगल मैप में, उसके बाद चलते हैं। तो ये रहा क्लास, मगर इसके अंदर जाते हैं और फिर बात करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी क्लास से बाहर आ चुके हैं और क्लासेस मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया। अभी दूसरे क्लास वगैरह देखते हैं, ये उतना कुछ खास लगा नहीं मुझे, इसलिए अभी जा रहे हैं। ट्राई करते हैं दूसरे क्लास में पता करने की वहाँ क्या सीन है। तो भाई साहब यहाँ पे बात तो बनी नहीं, तो अभी दूसरे इंस्टीट्यूट में पता करते हैं जो कि धर्मतल्ला में है। तो अभी यहाँ से बस वगैरह पकड़ेंगे, यहाँ तो बस भी नहीं मालूम है भाई कि कौन सी जाएगी, पूछना पड़ेगा कि धर्मतल्ला कौन सा जाता है। तो फिर बस वगैरह पकड़ते हैं और उसके बाद धर्मतल्ला निकलेंगे, और वहाँ पे एक है ब्लैक कर्टेन थिएटर है, मंच प्रदर्शन, वहाँ पे जाके फिर पता करते हैं वहाँ का क्या है क्या नहीं है। बेसिकली मैं ड्रामा क्लास पता कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको बताया ही नहीं, ड्रामा क्लास पता कर रहा हूँ मैं, उसी के लिए खास कोलकाता आया था। और अभी देखते हैं, एक में थिएटर है वहाँ जाके पता करते हैं कि वहाँ पे क्या सीन है। अभी चलते हैं, हमारे ऊपर ये ब्रिज है, पता नहीं कौन सा जगह है, मुझे ये भी नहीं मालूम है, मुझे पूछ पूछ कर यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो अभी देखते हैं कौन सी बस जाएगी, फिर धर्मतल्ला निकलेंगे और वहाँ पे बात करते हैं। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा बंदर आपको दिखाता हूँ मैं, देखो। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा बच्चा था बंदर का, और वो भी कुछ खा रहा था, मतलब अंकल उसको लेकर बैठे हुए थे, और वो बहुत ही क्यूट सा छोटा सा था। तो भाई आपने देखा वो पीछे अभी भी बैठे हुआ है। तो अभी चलते हैं धर्मतल्ला का बस पकड़ते हैं, कौन सा जाएगा पता करते हैं। तो अंकल ने बताया कि आगे सिग्नल से बस वगैरह मिल जाएगा, ऑटो वगैरह मिल जाएगा, तो जिधर से आए थे उधर ही जा रहे हैं। मुझे आते आते ये ब्लैक सिग्नल से ग्रीन सिग्नल हो गया, वरना मैं यहाँ से क्रॉस कर जाता क्योंकि उस तरफ से बस वगैरह मिलेगा। अभी देखते हैं सिग्नल होने का वेट करते हैं। बहुत सारी गाड़ी है भाई कोलकाता में। तो अभी मैं आ चुका हूँ एस्प्लेनेड न्यू मार्केट, और यहाँ से भी आपको लोकेशन सर्च करके जाना पड़ेगा, ब्लैक कर्टेन थिएटर। तो अभी मैं न्यू मार्केट में हूँ एस्प्लेनेड, बहुत सारा मार्केट है पीछे देख लो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा मार्केट ही है चारों तरफ, और इस साइड भी है। तो इसे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे उसका लोकेशन दिखा रहा है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए पूरी और सब्ज़ी खा ली है, बहुत मज़ा आ गया भाई सुबह से, क्योंकि पराठा और सब्ज़ी खा कर निकले थे, और इतना कुछ चले तो भूख तो लग ही जाता है ना। तो पूरी और सब्ज़ी खाए, मस्त सा दिया, बिल्कुल टेस्टी सा मैदा का पूरी था, अच्छा लगा। तो चलते हैं सीधा क्लास ढूंढने के लिए, ये देखते हैं कहाँ पे इसका लोकेशन दिखा रहा है। और ये वाले जो आप ट्रैक देख रहे हो ना, ये ट्रेन का नहीं है बल्कि ट्रैम का, जो कलकत्ता का धरोहर माना जाता है, उसी ट्रैम का ये यहाँ पे ये पटरी बिछा हुआ है, जो धर्मतल्ला से यानी एस्प्लेनेड से लेकर गड़ियाहाट तक जाती है। कभी उसमें भी ट्रैवल करके आपको दिखाऊँगा। फिलहाल तो ये देखो चल रहा हूँ, देखो दूर में ये ट्रैम है, ये देखो जा रहा है पटरी पे, है ना, WBTC ट्रैम का नंबर पटरी पे जा रहा है, देखो। तो गाइस उनसे बात वगैरह हो गई, ऑनर क्लासेस का जो ऑनर है उनसे बात वगैरह हो गया है, और उन्होंने मुझे 4 जनवरी को बुलाया। तो अभी मैं निकलता हूँ घर, क्योंकि बहुत लेट हो गया, सुबह 9 बजे निकले थे और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो अभी घर को निकलता हूँ, और 4 तारीख को उन्होंने फिर से बुलवाया है, तो मैं दोबारा आऊँगा। तो अभी चलते हैं घर, यहाँ से बस वगैरह पकड़ेंगे और फिर जाते हैं घर से, ठीक है, आगे मिलते हैं आपसे। आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, तो अभी रेस्ट वगैरह करूँगा, नहीं होगा तो सो भी सकता हूँ, तो इसलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। फिर मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।